दोस्तों आज शुरू करते हैं सीक्रेट 7 का एपिसोड 5। पेंडुलम और लेफ्ट ऑयल पेंडुलम के कमरे में जाते हैं। पेंडुलम लेफ्ट ऑयल को बेड पर सोने की कहकर खुद अपना बिस्तर फर्श पर लगाकर लेट जाती है। लेफ्ट ऑयल पेंडुलम से बात करने की कोशिश करता है पर पेंडुलम सोने की एक्टिंग करती है। लेफ्ट ऑयल पेंडुलम को उठाने के लिए फर्श पर जाता है पर पेंडुलम लेफ्ट ऑयल को देखकर चिल्लाने लगती है। अभी जो भी हमने देखा ये सब पेंडुलम अपने दिमाग में सोच रही थी। लेफ्ट ऑयल पेंडुलम को परेशान देखकर पेंडुलम के पास आता है। पेंडुलम लेफ्ट ऑयल को देखकर हैरान हो जाती है और लेफ्ट ऑयल को लात मारती है और वहाँ से भाग जाती है। पेंडुलम अपने कमरे में जाकर सोचती है कि स्माइली बियर लेफ्ट ऑयल भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी में जाते हुए लेफ्ट ऑयल रात के लिए पेंडुलम से सॉरी कहता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर हम कजन नहीं है मैं फिर भी तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, जिसे सुनकर पेंडुलम और भी परेशान हो जाती है। पेंडुलम यूनिवर्सिटी में जाकर स्पॉयल को लेफ्ट ऑयल के बारे में बताती है। स्पॉयल भी पेंडुलम की बातों को सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है अब तो हमें सातों लड़कों पर नजर रखनी होगी। लंच करते हुए पेंडुलम के पास लेफ्ट ऑयल का मैसेज आता है और लेफ्ट ऑयल पेंडुलम को खुश करने के लिए अपनी बियर की फेस की पिक्चर्स भेजता है। पेंडुलम इन पिक्चर्स को देखकर स्माइली बियर के बारे में सोचती है। क्लब रूम में प्ले पेंडुलम को आता हुआ देखकर पब वाली रात के बारे में बात करता है। पेंडुलम प्ले को सॉरी कहती है और कहती है कि यही कारण है कि मैं ड्रिंक नहीं करती। प्ले पेंडुलम को बार बार अपनी प्यारी कहता है। पेंडुलम कहती है प्ले क्या तुम सब लड़कियों से इसी तरह बात करते हो। प्ले गोस्ट लड़की को देखकर कहता है नहीं, सब लड़कियों से मैं ऐसे बात नहीं करता। क्लब रूम के सब लड़के पेंडुलम के इस मेंबर को गोस्ट लड़की कहते हैं क्योंकि वह कभी नहीं हंसती। तभी प्ले के पास एक लड़की का फोन आता है। प्ले फोन उठाकर उसे भी अपनी प्यारी कहता है। इसे सुनकर पेंडुलम समझ जाती है कि प्ले सभी लड़कियों से इसी तरह बात करता है। तभी लेफ्ट ऑयल आकर पेंडुलम से पूछता है क्या अब भी तुम मुझसे नाराज हो। पेंडुलम कहती है नहीं लेफ्ट ऑयल, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। क्लास में टीचर स्टूडेंट्स को फोबिया के बारे में लेक्चर दे रहे थे। स्पॉयल कहती है क्या ये सारे फोबिया मेरे प्यार के लिए ही हैं। पेंडुलम कहती है नहीं, ये फोबिया तुम्हें देखकर लोगों को हो जाते हैं। पेंडुलम क्लब रूम में जेंट को रूम सजाता हुआ देखकर पूछती है क्या तुम यहाँ पार्टी कर रहे हो। जेंट कहता है आज हमें इस रूम में 3 महीने हो चुके हैं इसलिए मैं सबको पार्टी दे रहा हूँ। जेंट पेंडुलम को एक डायरी देते हुए कहता है कि इसमें लिखी 50 बातें मैंने 3 महीने में तुम्हारे साथ रहकर तुम में देखी हैं। पेंडुलम डायरी को पढ़कर जेंट को बताती हैं कि तुमने कुछ चीजें मेरे लिए गलत लिख दी हैं। जेंट कहता है कि मैं कुछ देर बाद इन्हें ठीक कर दूंगा। तभी वहाँ पॉक डायरी दिखाकर जेंट को बताता है कि तुमने मेरे बारे में गलत लिख दिया है। और फिर लेफ्ट ऑयल आता है और कुछ देर बाद स्पॉयल भी आकर जेंट को डायरी दिखाते हुए कहती है कि तुमने मेरे बारे में कुछ चीजें गलत लिख दी हैं। जेंट सबको कहता है कि मैं सबकी डायरी ठीक कर दूंगा। अब पार्टी शुरू हो जाती है। स्पॉयल एलन से पूछती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। एलन कहता है तुम मुझे बहुत फनी लगती हो। स्पॉयल गुस्सा हो जाती है और कहती है एलन तुम्हें कहना चाहिए था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। लेफ्ट ऑयल कहता है मुझे लग रहा है जैसे कि दोनों क्लब्स की शादी हो चुकी है। स्पॉयल कहती है कि शादी इंसानों में होती है, दो क्लब्स में नहीं। और लेफ्ट ऑयल से एक बैलून फट जाता है जिसे सुनकर एलन डर जाता है क्योंकि उसे बैलून से डर लगता है। पोक एलन को कहता है तुम मत डरो क्योंकि मैं भी तो कॉकरोच से डरता हूँ। और एलन को पकड़कर सबको एलन के पास बैलून लाने के लिए कहता है। सब बैलून एलन के पास लाते हैं और एलन पोक पर गुस्सा हो जाता है। जेंट एलन को कहता है कि तुम पोक पर गुस्सा मत हो, ये मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि तुम बैलून से डरते हो। एलन को डराने के लिए गोस्ट लड़की भी बैलून फोड़ देती है। एलन गुस्से में रूम से बाहर बैठ जाता है। पेंडुलम एलन के पास जाकर कहती है तुम गुस्सा मत हो, तुम्हें अपने डर का सामना करना चाहिए। और एलन का हाथ पकड़कर वापस रूम में ले जाती है। क्लब रूम में एलन और सब लड़के पोक को पकड़कर पोक को कहते हैं पेंडुलम ने कहा है कि हमें डर का सामना करना चाहिए, तो पोक अब तुम कॉकरोचों का सामना करो। पोक कॉकरोचों को देखकर चिल्लाने लगता है और सब पोक पर हंसते हैं। तभी सब लोग रूम में कॉकरोचों को उड़ता हुआ देखकर बचने के लिए पोक को छोड़कर छिपने के लिए भागते हैं। कॉकरोच गोस्ट लड़की के चेहरे पर बैठ जाता है। नियो और एलन पोक की वीडियो देखकर बहुत हंस रहे थे। तभी एड एलन से पूछता है तुम स्नैक्स का पैकेट क्यों नहीं खोल रहे हो। एलन कहता है मुझे यह पैकेट खोलना नहीं आता। एड पैकेट खोलकर एलन को देता है और नियो कहता है क्या तुम्हें सच में एलन ये पैकेट खोलना नहीं आता। रूम में लड़कियों को डांस करता हुआ देखकर जेंट प्ले और पोक हंस रहे थे। पेंडुलम गाने की आवाज धीरे करने के लिए आती है और वहीं खड़ी होकर हिलने लगती है। पोक देखता है कि पेंडुलम को कुछ हो गया है और पेंडुलम को आवाज लगाता है पर पेंडुलम का हाथ स्पीकर पर देखकर समझ जाता है कि उसे करंट ने पकड़ लिया है। पोक लात मारकर पेंडुलम का हाथ स्पीकर से हटाता है। जैन पेंडुलम को गिरने से बचा लेता है।
स्पॉइल और पेंडुलम को यूनिवर्सिटी से जाता हुआ देखकर एलन कहता है, चलो आज मैं तुम्हारी स्टडीज में मदद करता हूँ। एलन पेंडुलम और स्पॉइल को ट्यूशन देता है। स्पॉइल कहती है, मुझे घर जाने में आज बहुत देर हो गई है, और घर के लिए चली जाती है। पेंडुलम ट्यूशन के लिए एलन को थैंक्स कहती है और देखती है कि एलन को अंडा छीलना नहीं आ रहा और एलन को अंडा छीलना सिखाती है। अगले दिन पेंडुलम भी एलन की मदद करने के लिए जाती है और काम खत्म होने पर रास्ते में बोट देखती है। एलन पेंडुलम को बोट देखता हुआ देखकर उसे बोट में चलने के लिए कहता है। दूसरी ओर आज एड एक रेस्टोरेंट की फोटो खींचता है। उस रेस्टोरेंट की मैनेजर एड को उसके दोस्त के साथ एड का लंच गिफ्ट करती है। अब एलन और पेंडुलम बोट पर चले जाते हैं, जहाँ पेंडुलम के पास एड की कॉल आती है। एड ने पेंडुलम को अपने साथ फ्री के लंच के लिए बुलाया है। पेंडुलम एड के पास जाकर कहती है, एड क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? एड कहता है, नहीं, पर मैं अपनी एक दोस्त को पसंद करता हूँ। पेंडुलम को पता है कि बचपन से एड लड़कियों में सिर्फ पेंडुलम से ही बात करता है और उसे एड पर शक होता है। रेस्टोरेंट के बाहर जाने पर पेंडुलम ग्रेस को बाहर देखती है। एड पेंडुलम से पूछता है कि ग्रेस कभी क्लब में क्यों नहीं आती है। पेंडुलम कहती है कि क्लब रूम में बहुत सारे लड़के हैं और ग्रेस लड़कों से बहुत डरती है। ग्रेस पेंडुलम से मिलने के लिए उसके पास आती है और एड ग्रेस को परेशान करने लगता है। ग्रेस एड से डरकर वहाँ से चली जाती है। पेंडुलम एड पर गुस्सा होती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि वह लड़कों से डरती है, फिर भी तुम उसके करीब क्यों गई? एड पेंडुलम के चेहरे को छूकर कहता है, तुम तो मुझसे नहीं डरती। पेंडुलम यूनिवर्सिटी में अपना असाइनमेंट बना रही थी, तभी कंप्यूटर पर किसी का मैसेज आता है कि मैं अपनी दोस्त को पसंद करता हूँ और उसे कैसे बताऊँ कि मैं उसे पसंद करता हूँ। पेंडुलम मैसेज करती है, तुम अभी कहाँ पर हो? मैसेज आता है कि मैं अभी जिम में हूँ। पेंडुलम को शक होता है कि कहीं ये मैसेज पॉक तो नहीं कर रहा है। स्पॉइल क्लब रूम में पॉक को चेक करने के लिए पॉक से कहती है, पॉक क्या तुम्हें लगता है कि पेंडुलम मोटी हो गई है? पॉक कहता है, मुझे नहीं लगता कि पेंडुलम मोटी हो गई है, पर मुझे लगता है कि उसने अपना वजन बढ़ा लिया है। स्पॉइल कहती है, तो तुम आज से पेंडुलम को जिम में ट्रेनिंग देना। पॉक मान जाता है और पेंडुलम को जिम में लेकर जाता है। स्पॉइल ने पेंडुलम को कहा था कि जिम में जाकर तुम पॉक के फोन को चेक करना कि क्या ये मैसेज पॉक ही कर रहा है। पेंडुलम पॉक से उसका फोन पूछती है। पॉक कहता है कि मैं अपने फोन का कम ही इस्तेमाल करता हूँ और किसी भी सोशल ऐप को पसंद नहीं करता। पेंडुलम जिम करके डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाती है, तभी वहाँ प्ले आ जाता है और प्ले उसे बताता है कि वह यही करीब में रहता है। प्ले हंसकर पेंडुलम को कहता है कि हम दोनों ने एक जैसी ही टी शर्ट पहनी है। प्ले पेंडुलम को कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पेंडुलम कहती है कि वह मिस्टर नंबर 11 के साथ चली जाएगी। प्ले पूछता है, ये मिस्टर नंबर 11 कौन है? पेंडुलम कहती है कि उसकी फैमिली हमेशा बाइक टैक्सी 11 के साथ ही कहीं सफर करती है। प्ले कहता है, आज तुम्हारे साथ मिस्टर नंबर 1 है, और पेंडुलम को अपनी बाइक पर ले जाता है। प्ले पेंडुलम को बुद्धा टेम्पल लेकर जाता है और पेंडुलम को प्रे करता हुआ देखकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आई हुई लड़की की प्रे पूरी हो जाए। टेम्पल से बाहर जाने पर पेंडुलम प्ले को एक गरीब लड़की से सामान खरीदता हुआ देखकर सोचती है कि प्ले इतना भी बुरा नहीं है। पेंडुलम अपने घर पर जाकर स्माइली बियर के बारे में सोच रही थी। वह एलन को सोचते हुए उसका पोस्टर देखती है और फैमिली ट्री देखकर लेफ्टवेल को याद करती है और कैसेट देखते हुए एड को याद करती है। पेंडुलम अपने कमरे में नियो की दी हुई शर्ट को देखती है और पोक का दिया हुआ वाटर बोतल देखती है और जेंट की फोटोज को देखती है और सोचती है कि इनमें से कौन स्माइली बियर हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन स्माइली बियर हो सकता है? तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मिलते हैं एपिसोड 6 में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।